तो आज हम लोग डेरिवेटिव करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हमने आईटीएफ पहले किया है, वो चैप्टर मैंने आपको पहले इसीलिए कराया था कि मेरे को पता था कि अब डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा चैप्टर। तो जिन लोगों ने आईटीएफ नहीं किया उनको दिक्कत आ सकती है, जो नए बच्चे हैं कई उनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करें, आ जाएगा समझ, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला नंबर वन जो है हमारा, अगर आपका वाई साइन इनवर्स कुछ भी टर्म दे रखा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वन रूट में वन माइनस जो भी टर्म होगी उसका स्केयर, और बाद में उस टर्म का क्या करना है, डेरिवेटिव। एग्जांपल से बात को समझते हैं। मान लीजिए आप साइन इनवर्स है वाई इज इक्वल टू, यानी आपकी टर्म जो है वो क्या है, एक्स है, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, वन डिवाइड बाय रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बाद में डेरिवेटिव ऑफ टर्म मीन x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, क्योंकि d बाई डी एक्स से d बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपका वन माइनस एक्स के रूट में क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकेंड फार्मूला वो है cos इनवर्स टर्म का, तो इसमें भी d बाई डी एक्स क्या है, बस सेम फार्मूला है साइन वाला ही है, वन माइनस टर्म स्केयर अंडर रूट डेरिवेटिव ऑफ टर्म, बस फर्क क्या है, माइनस लगाना है। एग्जांपल से बात क्लियर करते हैं। हाँ, पहले फार्मूला ही हम नोट कर रहे हैं, तो करना वैसे ही है बेटा, बस साइन वाले की तरह से, साइन वर्स वाले की तरह, बस माइनस लगे हैं यहाँ पे। टेन वर्स टी, अब टर्म को मैं टी से नोट कर रहा हूं, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, और ये क्या कर दिया कोट में, हाँ तो बेटा यहाँ पे मिस्टेक है, ये प्लस आएगा और ये रूट नहीं आएगा, स्पेशल नोट कर लेना आप लोग, वन प्लस टर्म स्केयर और डेरिवेटिव ऑफ टर्म। टेन वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन वर्स टर्म जो कोई भी हो उसके अंदर, यहां पे मैंने आपको बताया एंगल नहीं होगा, यहां पे कोई रियल वैल्यू होगी, तो वन प्लस टर्म स्केयर डेरिवेटिव ऑफ टर्म, सेम फार्मूला कोट का है, y आपका cot इनवर्स टर्म है तो dy dx आपका 1 बाय 1 प्लस टर्म, बेटा उसी में भी वो देखो 1 प्लस t का ये रूट नहीं है, मैंने इसको कटिंग कर दी इसकी, बस आगे माइनस है, और dy dx ऑफ टर्म, t मीन टर्म। तो जैसे sin इनवर्स x का फार्मूला है वैसा ही cos इनवर्स का फार्मूला है, उसमें cos इनवर्स वाले माइनस आता है, तो यहां पे cot इनवर्स वाले में माइनस आता है। तो ये चार फार्मूले ज्यादा चलेंगे अपने, सेकंड का भी एक सम आएगा वो बता देंगे आपको, लेकिन चार